joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरा बल है. प्रभु का आनंद. बस बहुत वर्ष एक बार रोमेनिया में प्रचार करने के लिए गए. उनकी बीवी उनके साथ थी. जान सुनो, जब वो प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने अपनी बीवी को भी सामने बुलाया प्रार्थना करने के लिए. और जब मीटिंग खत्म हुई, एक बहन पीछे से आकर बड़ी निराश, बड़ी गुस्से से भरी हुई, पूरा उसका चेहरा लाल उतरा हुआ, आकर बोली पास्टर पॉल वॉशर, कैसी आपकी बीवी है? कितने लोग जानते हैं पास्टर पॉल वॉशर के बारे में? ओके, कुछ लोग जानते हैं. अमेरिका के एक बड़े अच्छे प्रचारक है. आकर कहने लगे, कैसी आपकी बीवी है? आपने कैसी औरत से शादी कर ली? उसने कानों में झुमके डाले हुए हैं. उसकी बीवी को बड़ा दुख लगा कि क्या बोल रही है. उसकी बीवी उससे बोली कि बहन, आपके मोबाइल में आपकी कोई पुरानी फोटो है? उसने उसको फोटो दिखाई अपनी. उसमें वो औरत जब एक यंग थी, जवान थी और बड़ी खूबसूरत थी. जब उसने उसकी फोटो को देखा तो मुस्कुरा रही थी, ऐसे खेल रही थी. तो उसकी बहन बोली, सॉरी पॉल वॉशर की वाइफ उस बहन को बोली कि आपको क्या हो गया? आपका चेहरा उतरा हुआ, निराश, निराशा से भरा हुआ. आप तो पहले ज्यादा खूबसूरत थी, क्या हुआ आपको? बोली, मैंने यीशु को जान लिया. बोली, कैसा यीशु है जिसने आपके आनंद को ही छीन लिया? मुझे यीशु नहीं चाहिए. आज कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए. हालेलुया. बच्चे ने लिखा कि प्रभु का आनंद मेरा सब बोले, प्रभु का आनंद मेरा बल है. संत पौलुस कहते हैं, आनंदित रहो. फिर कहता हूं, आनंदित रहो. अब वो कहां पर है जब ये बातें कह रहे हैं? जेल में. कहां पर है? जेल में बैठा हुआ बंदा बोल रहा है, आनंदित रहो. खुशी में और आनंद में फर्क है. हमारे हालात के बारे में खुश कर सकते हैं. हमने को नया फोन ले लिया, नया घर बन गया, या घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो गई, हम खुश हो जाते हैं. लेकिन आनंद परमानेंट है. आनंद सदा के लिए है. आनंद आपके हालातों पर डिपेंड नहीं करता. जैसे बस भवन जी बता रहे थे कि आप जेल में रहकर भी, स्टाफ को रहकर, स्टाफ में रहकर भी, रोते हुए भी आनंदित हो सकते हैं. हालेलुया. तो इसलिए एक दूसरे की तरफ बहुत देखें और कहें, हम आनंदित हैं प्रभु में. कई लोग पता क्या कर रहे हैं, हम आनंदित. ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुराइए, कोई बात नहीं, अपने दांत दिखाइए और कहिए, हम आनंदित हैं प्रभु में. हालेलुया. ओके, तो जैसे कल हम प्रभु के बच्चों से सीख रहे थे, कल रात हमने प्रभु यीशु के क्रूस के बारे में प्रचार किया, मन फिराव के बारे में प्रचार किया, प्रभु यीशु क्यों हमारे लिए आए, उनका आना क्यों जरूरी था, और क्या सहा उन्हें जमीन पर आकर हमारे लिए, उन चीजों के बारे में सीखा. और दोपहर का जो सेशन था, इट वॉज रियली अमेजिंग. बहुत पावरफुल, बहुत सामर्थ्य, बहुत सारे भाई बहनों ने आशीष को पाया. yes. क्योंकि वो मैसेज ऐसा था, आपने से कई मिस किया, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे. आज का जो मैसेज है, ये भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण रहेगा, मुझे उम्मीद है. हालेलुया. हमने बात करी थी कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस को उठाया, लेकिन आज थोड़ा सा चीजें अलग होने वाली है. ध्यान से सुनिए मैसेज. ओके, इससे पहले मैं आज के मैसेज में हूं, आज कुछ चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जिनको मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूं. वो मैसेज से बाहर है, हम बाहर भी यहां मैसेज में आते हैं. आज मम्मी पापा का बहुत ट्रेंड है. जानते सब लोग हैं, अफ्रीका से आया, पंजाब में गया, और पंजाब से अब पूरे इंडिया में फैल रहा है मम्मी पापा का. बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े टाइटल आज लोगों की पहचान बन चुके हैं, और अगर आप उनको उन टाइटल से नहीं पुकारेंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है. से कैसे बोल दिया, हम तो अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं, विश्वकर्ता हैं, आप हमें भाई नहीं बोल सकते, हम आपके मम्मा पापा हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं. आइए, प्रकाशित वाक्य एक खोलिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय एक, और यहां से एक चीज को मैं दिखाना चाहता हूं आपके सामने, वचन 9 से. मैं यह हूं ना, अब यहां से आपको यह पता चलेगा कि आज ये जो सूक्ष्म भी हो रहा है, ये कितना बच्चों से बाहर है और कितना ये सेल्फ
सेल्फ सेंटर्ड बन चुका है, मतलब स्वार्थ के लिए सब कुछ हो चुका है। ओके बच्चों, नौ में क्या लिखा है, मैं जो बनना जो तुम्हारा भाई और तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी है, तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मस नामक टापू में मैं था अब यहाँ देखिए ओके बस थैंक यू। ये यूहन्ना जब इस खत को देख रहा है, ये आखिरी खत लिखा जा रहा है नए नियम का, और लिखा कब जा रहा है, तकरीबन 9500 एडी के पीछे पीछे, मतलब 100 एडी से पहले पहले ये लिखा गया था। ये खत संत यूहन्ना की एज इस वक्त में क्या है, 90-95 के बीच। कितना, कोई यहां पर है 90-95 का बैठा हुआ? आई थिंक कोई भी नहीं, सब चले गए दुनिया से। ओके 95 ईयर का एक ओल्ड, एक बड़ा ही बुजुर्ग इंसान अपने आप को क्या कह रहा है, बड़े बड़े वचनों में क्या बोल रहा है अपने आप को, मैं तुम्हारा, कलीसिया को खत लिख रहा है, कलीसिया को कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अब ये यूहन्ना कोई आम इंसान नहीं है, इस यूहन्ना ने प्रभु यीशु के साथ सेवकाई करी, प्रभु यीशु के साथ रहा, प्रभु यीशु के कॉलेज में इसने स्टडी करी, प्रभु यीशु से सीखा, प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखा, प्रभु यीशु की बातों से सीखा। सिर्फ यही नहीं, ये वो चेहरा है प्रवचन देखा कि जिससे प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे, इसे बिलर्ड अपोस्टल भी कहा जाता है, सबसे प्यार करते थे जिसे प्रभु यीशु से। सिर्फ यही नहीं, ये वो इंसान है जिसने नए नियम की 5 किताबें लिखी है। कितनी किताबें लिखी इसने नए नियम की? इसका टाइटल तो कुछ और होना चाहिए था, हिज एमिनेंस मोस्ट रेवरेंड पापा यूहन्ना, राइट, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये यूहन्ना क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा भाई, इसने 5 किताबें लिखी, यूहन्ना सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, और क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा भाई। एक चीज और देखना, इसी अध्याय के वचन एक में प्रकाशित वाक्य एक एक, इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर वचन में आएंगे अपने टॉपिक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास आज तो दास कहलाना गुनाह बन चुका है भैया, दास नहीं बोलना, मैं सेवक के लिए खादिम नहीं है, खादिम यानी दास होता है जो सेवा करता है, सेवा थोड़ी ना करने वाले, हमारी सेवा करोगे हमारे बूटों में बैठे रहो, ये क्या कह रहा है, हम क्या है, मुझ पर, दास पर, अपने दास पर। अब यहाँ पर जो वर्ड इसने यूज किया है, इब्रानी में वो वर्ड है डूलोस, कौन सा वर्ड है, डूलोस। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, मैं थोड़ा वो बताता हूँ, उस समय दो तरह के दास होते थे, यानी जो सर्वेंट घर में नौकर होते थे, दो तरह के होते थे, एक होता था दास जिसे पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उसे पेमेंट देकर, सैलरी देकर घर में काम करवाया जाता था, वो एक टाइम होता था उसका, उस टाइम पर आता है, एक टाइम होता है जब वो टाइम खत्म हो गया वो चला जाता है, फिर उसे एक्सपेक्टेशन होती है कि महीना मेरा खत्म हो रहा है अब मुझे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं यहां पर काम नहीं करूंगा। एक ये सर्वेंट है, एक है डूलोस जिसका यहां पर संति यूहन्ना इस्तेमाल कर रहा है, उसे कहा जाता है बंधुआ गुलाम, कौन सा गुलाम, बंधुआ गुलाम। ये बंधुआ गुलाम कौन होता था, जिसको एक बार मोल देकर खरीद लिया गया, उसकी एक ही बार पेमेंट हो गई है, या वो आवारा कहीं घूम रहा था उसे पकड़ लिया गया है और उसे अपने घर का दास यानी बंधुआ गुलाम बना लिया गया है, उनके कान में छेद कर दिया जाता था एक निशानी के रूप में कि ये कौन है, एक बंधुआ गुलाम है, इब्रानी में ये डूलोस है, ये बंधुआ गुलाम है, इसके कोई अधिकार नहीं, इसका कोई भी, बोले मेरे साथ, इसका कोई भी अधिकार नहीं, वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, उसका तो कोई टाइम टाइम टेबल नहीं है कि मुझे 7 से 5 बजे तक जॉब करनी है, वो उम्मीद नहीं कर सकता है कि मुझे सैलरी मिलेगी 5 महीने के बाद, वो उम्मीद नहीं कर सकता कि मुझे खाना भी मिलेगा, टोटली पूरी तरह से मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या देना है क्या नहीं देना, क्या खिलाना है
क्या नहीं खिलाना, क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाना। बंधुए गुलाम का कोई भी अधिकार, बोली मेरे साथ, बंधुए गुलाम का कोई भी अधिकार। और यूहन्ना अपने आप को कौन कह रहा है? मैं यही बंधुआ गुलाम। और ये बात संत पौलुस भी बार बार कहते हैं कि मैं मसीह का दास बंधुआ गुलाम, इसका कोई अधिकार नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज अपने आप को प्रभु के दास कहने वाले, दास को कहते नहीं हम, वो बात अलग है, वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, अधिकार रखते हैं कि हम इस एरिया में नहीं आ सकते हैं, ऐसे घर में नहीं आ सकते हैं, अगर हमारे लिए पोर्श गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी नहीं मिलेगी हम यहां पर नहीं आ सकते हैं, इतनी पब्लिक होनी चाहिए फिर हम आ सकते हैं, इतना पैसा हमें मिलेगा फिर हम आ सकते हैं, हमारे लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट करनी चाहिए फिर हम आपके लिए सेवा में आ सकते हैं, बच्चों के लिए आ सकते हैं। क्या आपको लगता है वो बंधुआ गुलाम है? बताइए जरा, क्या वो बंधुए गुलाम है? नहीं भैया, वो तो संत यूहन्ना से भी बढ़कर है। पौलुस कौन है? मुझे नहीं पता, पौलुस से भी ऊंचे हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्लीज ध्यान से सुने। जैसे पहले दिन सुबह के सेशन में हमने बात करी थी, संत पौलुस कहते हैं दूसरा ग्रंथियों 11 में 1, 2, 3 और 4 में, पढ़ना नहीं, इधर देखें, वहां पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि कहीं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया था, कहीं तुम्हारे मन भी उस सहदाई से, उस सच्चाई से भरमाए ना जाए। पौलुस कहते मैं डरता हूं, मुझे डर है आज कलीसिया को लेकर कि कहीं आप भी ऐसे भेड़ियों के शिकार ना हो जाए, जो लोग अपनी महिमा करवाना चाहते हैं, जो लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो उनको उनका टाइटल अगर आप गलत ले लेंगे उन्हें गुस्सा आ जाता है, अगर उनके लिए आप ऐसा सिस्टम नहीं रखेंगे उन्हें बुरा लगेगा कि ये कैसा क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्टर भवन जी, पास्टर संतोष जी, जब भी खाने की बात होती बोले बस ब्रदर या तो प्लीज बताओ क्या करना है, क्या खाना है, मैंने भाई जो कुछ भी है सिंपल से सिंपल, सादा से सादा वो लेकर आओ, चाहे दाल है या रोटी है कुछ भी चलेगा। फिर बोले कि हमारे यहाँ कोई, जब हमारी बात हो रही थी, बड़ा घर नहीं है, मैंने बोला आप अपने साथ ऊपर बेड पर सो जाना, मैं नीचे भी सो जाऊंगा। एक बंधुए गुलाम के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं? कुछ भी नहीं। बंधुआ गुलाम वो है जिसे अगर कुछ मिलेगा वो तो भी खुश है, नहीं मिलेगा तो भी खुश है। यूहन्ना, पतरस, पौलुस, ये सब अपने मालिक पर डिपेंड है कि उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है और हमारे सारे अधिकार खत्म। वो जहां भेजेगा जाएंगे, जैसे भेजेगा जाएंगे, कुछ देगा तो भी उसकी महिमा करेंगे, कुछ नहीं देगा तो भी उसकी महिमा करेंगे। संत पौलुस जेल में बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ, उसे कोई डर नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है कि प्रभु ये क्या हो गया, तूने तो मुझे चुना था, तूने तो कहा था कि इस पत्थर को मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये क्या कर दिया मेरे साथ। नहीं, वो कह रहा मालिक ने जहां रखा है उसकी मर्जी में रहेंगे, क्योंकि बंधुए गुलाम कौन है वो? बंधुए गुलाम। संत यूहन्ना कह रहा है, बुजुर्ग खुदा का दास, वो कह रहा है कि मैं प्रभु का दास, तू दोस्त, बंधुआ गुलाम। ओके, सावधान रहिए मेरे भाइयों बहनों। आइए हम आते हैं आज के वचन की तरफ, पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 16 वचन 24, मत्ती अध्याय 16 वचन 24 को देखिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। ये जो मैं मैसेजेस आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, आपके साथ बांट रहा हूँ, ये बहुत से देश हैं जो चर्च में मिसिंग हो गए, गायब हो गए, लेकिन ये वो मैसेज थे जो प्रभु यीशु के हमेशा साथ चलते थे, ये वो मैसेज थे जो प्रेरितों की जुबान पर हमेशा रहते थे, ये वो मैसेज थे जो मसीह इतिहास में हमेशा चलते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि आज ये मैसेजेस गायब हो गए। क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना ये अलाउड नहीं आते क्रिश्चियन के लिए। क्रूस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो जीसस। क्रूस उठाएं और प्रभु यीशु के पीछे आए। जब प्रभु यीशु यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे,
नया चेला बनना चाहे यानी क्रिश्चियन बनना चाहे तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपने आप, बोले अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाए मेरे पीछे। परमेश्वर ने ये कहा कि मेरी क्रूस उठाए, अपने क्रूस उठाए मेरे पीछे हो। अब क्रूस का मतलब क्या था उस वक्त में जब प्रभु यीशु ये बातें कर रहे थे? क्रूस कोई मेटाफोर नहीं है, कोई प्रतीकात्मक भाषा नहीं थी। क्रूस उस वक्त में कोई ऐसा खूबसूरत सिंबल नहीं था। क्रूस सोने चांदी से बनी हुई कोई सोने की वो निशानी नहीं थी जिसे गले में लटका था बड़ी शान से लोग चलते थे। क्रूस एक शर्मिंदगी की, लानत की, शेम की निशानी थी, शेम होना। अगर कोई क्रूस उठाकर जा रहा है तो लोग उसकी तरफ देखकर थूकते थे कि इस इंसान ने गलत काम किए हैं, अपराध किए हैं, पाप किए हैं, इस कारण इसे क्रूस मिली है। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरे चेला बनना चाहता है, जो कोई भी मसीह बनना चाहता है, अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 12:24, यूहन्ना अध्याय 12 और उसके वचन 24 को देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सही कहता हूँ, सच सच कह रहा हूँ, ध्यान से सुने, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रह जाता है, परंतु जब मर जाता है, एक भूमि का दाना, एक गेहूं का दाना, अगर उस दाने को फलवंत होना है, अगर उस दाने को और भी फल लेकर आना है तो वो खूबसूरत दाना है। आपने देखे गेहूं के दाने देखे होंगे सभी ने, राइट? जब हम हाथ में लेते हैं कितना बढ़िया लगता है, बड़ा खूबसूरत कलर उसका, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसे फल लेकर आना है, अगर उसे और भी फल लेकर आने हैं तो उस खूबसूरत दाने को जमीन में जाना पड़ेगा। अंधकार, अंधकार है वहां पर, हवा नहीं। और फिर यही नहीं, सिर्फ अंधकार में नहीं जाना है, वो गेहूं का दाना उसका रूप बदल जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसका वो पहले वाला रूप नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और जब वो ऐसा हो जाएगा तब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बड़ा होगा और उसके थ्रू फिर और भी बहुत सारे गेहूं के दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। अब मैं तीन चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी पॉइंट को लेकर। प्रभु यीशु ने जो कहा कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। सबसे पहली बात, जैसे गेहूं का दाना जो खूबसूरत दिखाई देता है वो मरता है, वो अलग होता है, बहुत सारे दाने होते हैं, लेकिन इस दाने को अकेला होना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है। सबसे पहला कानून क्रूस उठाने, क्रूस उठाकर मसीह यीशु के पीछे चलने का है, सेपरेट, अलग हो जाना, सबसे पहला कानून। क्रूस मसीह यीशु की ये अंधकार को रोशनी से अलग करती है। प्रभु यीशु की क्रूस अंधकार को रोशनी से अलग करती है। और ये जो अलग करने का कॉन्सेप्ट है, अलग करने का विचार है, ये सिर्फ नए नियम में नहीं आया, ये सिर्फ अभी प्रचार नहीं हो रहा है, इस चीज की शुरुआत हमें शुरुआत में देखने को मिलती है, आदि में। आदि में जब परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया तो सबसे पहले उसने क्या किया? रोशनी को अंधकार से अलग किया। रोशनी का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है। सोच कर देखिए, अगर ऐसा ना किया होता, अगर अंधकार और रोशनी एक ही साथ होते तो हमें वो क्लियर रोशनी देखने को ना मिलती, एक ट्वाइलाइट, एक शाम की जैसे होती है ना रोशनी, वैसी रोशनी होती, ना कोई काम कर सकता, ना कुछ अच्छी तरह से दिखाई देता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर को पता था कि रोशनी को अलग करना जरूरी है अंधकार से, इस कारण परमेश्वर ने अपने शब्द से कहा कि अंधकार रोशनी से अलग हो जाए। फिर परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा कि तुम्हें चुनी हुई प्रजा, तुम प्रभु के लोग हो, तुम्हें बाकी लोगों में शामिल होना नहीं है, मिक्स नहीं होना है, दूसरी जातियों के साथ शादी नहीं करनी है, ना अपनी बेटियां उन्हें देनी है, ना उनकी बेटियों को अपने घर में लेकर आना है, तुम्हें अलग होना है। अलग होने के लिए तुम बुलाए गए हो। यह बुलाहट पुराने नियम में भी थी इसराइलियों के लिए। फिर चर्च, कलीसिया, कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कहा? पवित्र आत्मा के थ्रू। चलिए देखिए दूसरा करिन्थियों शेष होगा, दूसरा करिन्थियों अध्याय 6 और उसके वचन 14 में। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना झुको। ओके, वचन बहुत क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ परमेश्वर का वचन यहां पर हमें कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में ना जुतो।
वचन बहुत क्लियर है, लेकिन आज लोगों को वचन की कोई परवाह नहीं है, फीलिंग्स के ऊपर सब कुछ चल रहा है, चर्च में भी और चर्च के बाहर भी। लेकिन वचन में कह रहा है कि तुम्हें एक नहीं होना है उन लोगों के साथ जिनका प्रभु के साथ कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट होना। फिर जो कलीसिया, जो चर्च का शब्द, ये जो शब्द है चर्च, ये शब्द आता है ग्रीक भाषा के वर्ड एक्लेसिया से, एक्लेसिया। इस वर्ड का मतलब क्या है चर्च का? कॉल्ड आउट, यानी बुलाए गए हैं, जो लोग बुलाए गए हैं। बहुत बड़ी भीड़ है संसार की, लेकिन परमेश्वर ने आपको, मुझे, उसका ध्यान मानने वालों को अलग किया है, चुन लिया है, सेपरेट कर दिया है। तो यस, हमें सिर्फ सेपरेट होना है, अलग होना है, सिर्फ संसार और संसार की चीजों और संसार की संगति से ही नहीं, वरन उन कलीसियाओं से भी सेपरेट होना है, अलग होना है। जो कलीसियाएं संसार की आत्मा के द्वारा प्रभावित है और न्यू एज यानी शैतान की शिक्षाओं के द्वारा प्रभावित है, हमें उनसे भी अपने आप को अलग करना है। एक सबसे भयानक शिक्षा जो फैल रही है वो है, इसे कहा जाता है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। मैं इसे प्रोस्पेरिटी गॉस्पल नहीं कहूंगा, इसे ट्रांजैक्शनल गॉस्पल कहा जाएगा। ट्रांजैक्शनल मतलब आप प्रभु को प्रार्थना दो, बदले में प्रभु आपको क्या देंगे? आशीष देंगे। अगर नहीं आशीष मिल रही तो चलो धरना लगा दो। हाँ, धरना लगा दो। कौन सा धरना? फास्टिंग में बैठ जाओ, प्रभु आपके लिए करेंगे करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। इसी से कहा जाता है ट्रांजैक्शनल गॉस्पल, मतलब आप प्रभु को ये देंगे और बदले में प्रभु आपको ये देंगे। एक सौदेबाजी हो रही है प्रभु के साथ, और ये बड़ा ही गलत समाचार है। मैं बताता हूं आपको क्यों। आप सारे फैमिली वाले लोग हैं, परिवारों वाले लोग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ये गॉस्पल जो है धन दौलत का, ये क्यों इतना खतरनाक है। सबसे पहली बात तो धन दौलत का जो प्रचार हो रहा है कि प्रभु आया है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए, आपको नंबर वन बनाने के लिए। सुबह के सेशन में हम बात कर रहे थे कि हम दुनिया के नंबर वन अमीर इंसान नहीं है। जो नंबर वन है अमीर इंसान, वो विश्वास में नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। धन दौलत के बारे में प्रभु यीशु का क्या विचार था? धन दौलत के बारे में प्रभु यीशु का क्या विचार था? आए देखिए मेरे साथ लूका अध्याय 6 वचन 24। परंतु हाय हम पर, ओके, ध्यान से सुने। हाय यानी दो, यानी श्रापित। कौन? जो धनवान। अरे ये क्या बोल दिया? प्रभु यीशु को लगता है कोई आपका प्रोस्पेरिटी प्रचार नहीं मिला, जिसने कहा था कि आपको प्रभु यीशु धनवान बनाने के लिए हैं, वो गरीब बन गया ताकि आप लोग अमीर बन जाओ। क्या इसलिए बनाओ? नहीं, गरीब को किस चीज में बना? धार्मिकता में। किस चीज में अमीर बनाने के लिए? धार्मिकता में। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास अगर कोई गुनाह था तो वो हमारा किया हुआ था, और अगर हमारे पास कोई धार्मिकता है तो वो उसकी दी हुई है। हालेलुया। वो गरीब बन गया, उसने अपने आपको धार्मिकता से निकाल दिया, दूर कर दिया, एक पाप का रूप धारण कर लिया था ताकि हमें पाप के रूप से आजाद करके धर्मी बना सके। लेकिन इस वचन को तोड़कर, मरोड़कर शैतान की तरह आपके सामने पेश किया जाता है, और कहा जाता है कि प्रभु यीशु गरीब बना, उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, बड़े प्लॉट थे, बड़ा सोना चांदी था, उसने सब छोड़ दिया ताकि ये सब चीजें आपको दे सके। बड़ा क्लियर टेस्ट ये है कि प्रभु यीशु ने सिखाया क्या धनवान होने के बारे में। तो वो कहता है श्रापित हो तुम जो धनवान। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं कितना उल्टा गॉस्पल चल रहा है चर्चेस में। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी कलीसियाओं से बच रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि संत पौलुस ने क्या सिखाया धन दौलत के बारे में। चलिए पहला तिमोथियस अध्याय 6 वचन 9 को। पर जो धनी होना चाहते हैं, ओके, क्या होना चाहते हैं? सब बोलेंगे तो आप क्या होना चाहते हैं? ये बाइबल याकूब ने नहीं लिखी, फिर से सुन ले, ये बाइबल याकूब ने नहीं लिखी। भैया मैं कल से बोल रहा हूं, आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, मैं बस एक डाकिया हूं जो मैसेज को आप तक पहुंचा रहा हूं, वचन को डिलीवर कर रहा हूं।
लेकिन वचन है कौन देने वाला? क्या लिखा है फिर से पढ़ दे सज्जन बाबू। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, ऐसी परीक्षा, ऐसी परीक्षा सच्चाई। जब किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, सबसे पहले कौन सी चीज, कौन सा पाप एंट्री मारेगा? घमंड। अरे ना उसके साथ में जा सकता यार, वो टीचर क्या उसके पास बैठना, उसके घर में क्या जाना यार, पंखा भी अच्छे से नहीं चल रहा, आप तो एसी में रहते यार, एसी में कहां रह पाएंगे, छोड़ो उसके घर में नहीं जाएंगे यार, बहुत स्मेल आती है, नहीं ये सब क्या है, घमंड बोल रहा है। फिर मैंने कई ऐसे भाई बहनों को देखा है जिनके पास पैसा है, थोड़ी सी शोहरत है, गवर्नमेंट जॉब है, जब वो वर्शिप में आएंगे, वर्शिप जा रही है ऐसे खड़े, मैं भाई को पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं, वो पैसे वाला है ना, इसलिए वो वर्शिप गरीब लोगों के लिए होता है, तो ताली नहीं बजाते, बोले हमें ऐसा नहीं मिलता। अरे प्रभु के सामने काहे का घमंड यार, प्रभु के सामने काहे क्या कर दिखा रहे हो, कम से कम खुदा के घर में तो नंबर बन जाओ। वचन कह रहा है कि जो लोग धनवान होना चाहते हैं वे अपने आप को किसमें फंसाते हैं, फंदों में, वृक्षों में फंसाते हैं। और ये सच्चाई है, बाइबल में भी देखने को मिलती है, जब सुलेमान धनवान बन गया, धनवान बनने से पहले वो मंदिर में आता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, और प्रभु कहता है कि बड़ी अच्छी चीज इसने मांगी है, धन दौलत नहीं मांगा, तो चलो मैं इसे धन दौलत भी दे देता हूँ। प्रभु ने धन दौलत दे दिया, उसके बाद कभी जर्ज ही नहीं आया। हाँ, उसका लास्ट टाइम था मंदिर में, उसके बाद वो कभी मंदिर ही नहीं आया, धन दौलत आ गया था बहुत ज्यादा, फिर उस धन दौलत के कारण और भी पाप जिंदगी में एंटर कर गए, लड़कियां जिंदगी में आ गई, गलत काम जिंदगी में आ गए। और बच्चे ने लिखा है कि वो औरतें जो थी, जो उसकी बीवियां थी, उन्होंने उसके मन को प्रभु से फिराकर दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगा दिया था। पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यहूदा क्यों मरा? यहूदा यीशु के साथ रहने वाला क्यों रह गया? पैसे के प्रति लोभ था। पौलुस के साथ भी एक यहूदा था, उसका नाम था दिमास, और पौलुस लिखता है कि दिमास ने संसार को प्रिय जानकर हमें छोड़ दिया है, संसार को प्रिय जानकर। तो इस सुसमाचार से बचें जो आपको उसी संसार के पीछे लगा रहा है, जिस संसार के पीछे लगे सुलेमान, यहूदा, दिमास और पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, उसी उन्हीं चीजों की तरफ आपका फिर से मन लगाया जा रहा है। वचन आपको पढ़ना इसी अध्याय के, यदि हमारे पास खाने, हाँ इस वचन को पढ़ा था सुने, अपने पल्ले बांध ले हमेशा के लिए, यदि हमारे पास खाने, हमारे पास खाना है और पहनने को, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए, इन्हीं पर संतुष्ट करना। सबों ने, अगर हमारे पास खाना है और पहनने के लिए कपड़े हैं, तो वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि इन्हीं में संतुष्ट करना चाहिए, इन्हीं में संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन मैं कल एक मैसेज सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर, वो कह रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा फेवर आपके ऊपर आ रहा है, आने वाले 6 महीनों के अंदर आप टॉप पर होने वाले हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर आपके घर में हर आशीष आने वाली है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। ये क्या कर रहे हैं? आपके अंदर लालच को पैदा कर रहे हैं, किन चीजों के लिए, किन चीजों के लिए? संसार की चीजों के लिए, ना कि आत्मिक चीजों के लिए। अरे आपको तो वो होना चाहिए था जो लोगों के अंदर भूख पैदा करे, लोगों के अंदर आग पैदा करे, पवित्र आत्मा के मसा से भरने की, धर्मी होने की, पवित्र होने की, प्रभु यीशु के जैसे बनने की, लेकिन वो आग खत्म संसार में लगा दिया लोगों का। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी कलीसियाओं से भी सेपरेट होना है, अलग होना है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इस बात को ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पल है, जो ट्रांसैक्शनल गॉस्पल आज प्रचार हो रहा है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में, बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा, ये आपको वो चीज ऑफर कर रहा है जो शैतान ने यीशु को ऑफर करी। समझ रहे बात को? ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पल आपको वो चीजें दे रहा है जो चीजें आपको शैतान ने ऑफर करी थी अब यीशु मसीह के सामने। इसलिए
इसलिए मैं कहता हूँ ये खतरनाक है। अब लास्ट बात बताऊंगा कि ये जो ट्रांजैक्शन गॉस्पेल है ये क्यों खतरनाक है। मान लिया मैं इस इनविटिंग को खत्म करके अपने घर जाता हूँ, और अपने घर जाता हूँ जब मैं सारी अभी हमारा कुछ दिन की मीटिंग है 24 और 25 को लखनऊ में मीटिंग है, उसके बाद हम घर जाएंगे। जब मैं अपने घर जाता हूं मेरी बीवी बाहर कर आती है मेरे पास और मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है, वाह कितना प्यार करती है मुझसे, मुझे देखते ही कितना स्माइल कर रही है, कितना भाग कर आ रही है, आती है मेरे पास भागी भागी। मैं ये बस एक मिनट थोड़ा थोड़ी सी एग्जाम्पल थोड़ी सी सच्चाई आपको बताना चाहिए। ठीक है मैं यहां पर आ रहा हूं, वो कितनी अच्छी है कुछ समझ आया आपको समझाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा समझा दे, भारती आ रही है मुझे लगता है मेरे लिए आ रही है, अरे वो मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसे तो उन चीजों से पसंद है कि मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है, बैग भरा हुआ उसका, उसको पकड़ोगे ना ये जाए भाग ले। बहुत से मसीह यीशु के साथ ऐसा ही व्यवहार, बहुत सारे मसीह यीशु के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। यीशु के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वो चीजें दे रहा है बस वो चाहिए, वहां तक सीमित है। जिस दिन उसने वो चीजें देना बंद कर दी हम यीशु को मानना भी बंद कर दिए। अय्यूब कहता है उसने दिया उसी का नाम है, वो बीमारी देगा तो भी उसकी महिमा करूंगा, वो घर को ले लेगा तो भी उसकी महिमा करूंगा, बच्चों को ले लेगा तो भी उसकी महिमा करूंगा, कुछ नहीं बचेगा तो भी उसकी महिमा करूंगा, क्योंकि उसका नाम भारत है। मुझे उसकी आशीषों से प्यार नहीं है, जो वो देता है उससे प्यार नहीं है, उसने जो ऑलरेडी दे दिया है मुझे उससे प्यार है। हालेलुया, इसलिए मैं कहता हूं ये सुसमाचार जो है ना प्रॉस्पेरिटी का ये खतरनाक है, ये आपका मन यीशु पर नहीं उसकी आशीषों पर लगा रहा है, आपका प्यार यीशु के साथ नहीं जो वो दे रहा है उनके साथ लगा रहा है। इस कारण इस सुसमाचार से ऐसे प्रचारकों से ऐसे सुसमाचार से अपने आप को अलग कर दें, जुदा कर दें, क्योंकि वो आपका मन उन चीजों पर लगा रहे हैं जिन पर प्रभु यीशु ने कहा कि संसार में तो रहो संसार के स्वरूप के जैसे ना बनो। ये संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है, हम ऐसे घर के इंतजार में हैं इसका बनाने वाला इसका रचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उस घर की तरफ देखें, उस यीशु की तरफ देखें जो आपको लेने के लिए आ रहा है। और पतरस कहता है अंतिम समय में कि सारी चीजें जलकर राख हो जाएंगी सब कुछ। ओके चलिए वापिस आते हैं, ऐसे चर्च ऐसी कलीसियाओं और ऐसे प्रचारकों से सावधान रहें। नए नियम में याद रखिए मेरा टॉपिक क्या था, क्रूस उठा और मेरे पीछे हो। नए नियम का ये खूबसूरत थीम लगातार चलता रहता है, ये जो थीम है ये लगातार चलता रहता है। कौन सा थीम, ये आप संसार के तो हो संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो। प्रभु इसी कलाम में संत पौलुस कहते हैं कि संसार का सदृश ना बनो, जो संसार से प्रेम रखता है प्रीति रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। ये थीम एक बार नहीं दो बार नहीं लगातार हमें चलने को देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ने भी कहा, प्रेरितों ने भी कहा, संत पौलुस ने भी कहा। अब अलग होने का मतलब क्या है, ध्यान से सुने, ये सिर्फ बाहरी अलग होना नहीं है, बाहरी रूप से यानी आउटवर्ड सेपरेशन ही नहीं है कि भैया हमने संतों वाले कपड़े पहन लिए पहाड़ों पर जाकर बैठ गए हमने तो संसार से अलग होना है। नहीं, ये ढोंग है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा अलगपन होना ना तो प्रभु यीशु ने किया ना उसने सिखाया, ना चेलों ने किया और ना चेलों ने सिखाया। ये अलग होना क्या है, सेपरेशन यानी फ्रीडम फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस संसार की जो आत्मा है
जो स्वार्थ पर काम कर रही है, सेल्फिश पर काम कर रही है कि तुम ही सब खुश हो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है और तुम्हारे लिए ही सब कुछ होना चाहिए, दूसरों की तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। डू एज थाउ विल, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, दुनिया जाए फाड़ में। इस आत्मा से आजाद होना, इस आत्मा से अलग होना, संसार के अटैचमेंट से अलग हो जाना। हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के स्वरूप के जैसे नहीं है। प्रभु यीशु भी संसार में तो रहे, चेले भी संसार में तो रहे, लेकिन संसार का स्वरूप उनके ऊपर नहीं था। एक बेड़ी, एक कश्ती, वो पानी में तो जाती है लेकिन पानी उसके अंदर नहीं आता। और जिस समय पानी उस कश्ती में, उस बेड़ी में आ जाता, तो क्या होता है? बेड़ी डूब जाती है। जिस दिन संसार का पानी आप पर चढ़ गया तो समझ लो आप डूब गए। पानी में तो रहे लेकिन पानी को अपने अंदर आने ना दे। संसार में तो रहे, संसार को अपने अंदर आने ना दे। संसार की अटैचमेंट से अपने आप को अलग करने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की क्रूस हमें बुलाती है। सबसे पहले मैंने बात करी कि क्रूस हमें अलग होना सिखाती है, क्रूस हमें अलग करती है। दूसरी बात, क्रूस मीन्स डेथ। क्रूस का मतलब है डेथ। हमने पढ़ा था योहन्ना उसके 12:24 में कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता, जब तक मर नहीं जाता। प्रभु यीशु भी जब तक मर नहीं गए, आप और मुझे बेटे और बेटियां नहीं बना सके। सुबह हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु हमारा बड़ा भाई है, प्रभु यीशु हमारा बड़ा भाई। वचन लिखा है रोमियो अध्याय 8 में कि वो पहलौठा है, पहलौठा जो बड़ा होता है। प्रभु यीशु हमारा बड़ा भाई है। वो कैसे बना और हमें उसने अपने कैसे भाई बनाया? क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा। वो गेहूं का दाना मरकर जमीन में गया और फिर जब वो जी उठा तो बहुतों को उसने खुदा के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। तो क्रूस मतलब डेथ, मौत, खत्म। जो गेहूं का दाना है जब तक वो जमीन में नहीं जाता और मर नहीं जाता तब तक वो फल को लेकर नहीं आ जाता। जो गेहूं का दाना, जैसे मैंने कहा, बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, बड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, लेकिन अगर उसे फल लेकर आने हैं तो इन सब चीजों से उसको अपने को दूर करना पड़ेगा। अब वो पहले जैसा रहेगा नहीं, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं वहां पर जितने भी सैक्रीफाइसेस आते थे, बलिदान कुर्बानियां आती थी, जब उन्हें भेंट के लिए चढ़ाया जाता था तो क्या वो जिंदा चढ़ा दिए जाते थे? पकड़ा बकरा या बकरी उसे चढ़ा दिया पिता के सामने, ये रे पिता आप खुद देखो हम जा रहे थे, नहीं, उसे काटा जाता था, फिर उसे वेदी पर चढ़ाया जाता और फिर आग दी जाती थी। और जब उसे आग लगती थी वो कुर्बानी, वो भेंट राख हो जाती थी, राख, एशेस, राख हो जाती थी। हम भी अपने आप को, हम वचन लिखा कि अपने आप को पवित्र जीवित भेंट करके चढ़ाओ परमेश्वर के सामने, रोमियो अध्याय 12 में। ये भेंट कैसे चढ़ती है? जब ये मर, इससे मरना जरूरी है, इसका मरना जरूरी है संसार के प्रति, संसार के प्यार के प्रति, और इसे खाक बन जाना बहुत ही जरूरी है। और ये जो मसीह यीशु की क्रूस है, ये लोगों को डेड करती है, मारती है। पहला ग्रंथियों 4:10 में पढ़ेंगे, पहला ग्रंथियों 4:10। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। हम क्या मसीह के लिए मूर्ख हैं? ये वचन कह रहा है कि हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। आपकी रेपुटेशन, आपका घमंड, आपका पैसा, आपकी पोजीशन, आप बड़े टैलेंटेड, आप बड़ा कुछ, आप जीरो हैं। क्या है? जीरो। मैं, आप, हम सब जीरो हैं। मान लीजिए एक ये बहुत बड़ी जीरो आपके सामने खड़ी है, बना एक और जीरो आ गई, बड़ी टैलेंटेड, बड़ी वर्शिप करती, ये भी जीरो, बस जी आप भी आ गई, बड़े अच्छे प्रभु के दास, बहुत टैलेंटेड, बड़ा गिफ्टेड, जीरो। ये तीन जीरो यहां पर खड़ी हैं, इनकी कोई वैल्यू है? इनकी कोई वैल्यू है? मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं जी, जीरो। मैं बहुत अच्छा गाता हूं जी, जीरो। मैं भी बड़ा आराधक हूं जी, जीरो। इनकी जीरो की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू कब आती है? वैल्यू कब आएगी? नंबर वन, प्लीज कम, प्रभु यीशु तो नंबर वन है। ये एक है, एक आ गया, कितने हो गए? कितने हो गए? आप दोनों भी चले जाइए,
अभी भी वैल्यू है, कितने यहाँ पर वैल्यू है, जैसे ही एक जाएगा कोई वैल्यू, यीशु हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। हालेलुया, अपने आप में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, मसीह यीशु के आने से ही हमें रियल वैल्यू मिलती है। फिर चाहे हमें कितने भी अमीर है, कितने भी टैलेंटेड है, कितने भी गिफ्टेड है, कितने भी नामी गुनामी है, कितनी भी बड़ी हमारी पोजीशन है, हमारी कोई भी वैल्यू खुदा के सामने नहीं है। लेकिन हमें प्रभु के सामने अपने आप को जीरो बनाना पड़ेगा, प्रभु के सामने अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप को क्रूस के हवाले करना पड़ेगा। जब अपने आप को खत्म करेंगे, मार देंगे, और एक मरे हुए पैर, एक मरे हुए इंसान को, ध्यान से सुनिए, एक मरा हुआ इंसान जो क्रूस के द्वारा मर चुका है, संत पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह यीशु की क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया हूं, आई एम क्रूसीफाइड विद द लॉर्ड। कहता है कि मैं मसीह यीशु के साथ कुर्बान हो चुका हूं स्लीप पर। ये जो मरा हुआ इंसान है, संसार की महिमा से उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी कोई महिमा करे या ना करे का उसको कोई फर्क पड़ेगा, उसको कोई क्रिटिसाइज करे कि भैया तू ऐसा है वैसा है कुछ भी नहीं है, ठीक है मरा हुआ क्या करे, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जब 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 कोई इंसान क्रूस को लेकर चल रहा है, क्रूस के रास्ते पर चल रहा है, तो संसार की महिमा, संसार की प्रतिष्ठा, संसार की चीजें, संसार की महिमा उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि वो संसार के लिए मर चुका है, संसार के लिए मर चुका है। तो मरना संसार के लिए, दूसरी बात तो मरना अपने आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट। संसार के लिए तो मरना हाँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने आप के लिए मरना, प्रभु यीशु क्या ये आपने बात कही है? यस कही, उसको पढ़े उसी वचन को, मत्ती अध्याय 16:24 का। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का, अपने आप का भी इनकार करे। ये स्लीप की तलवार चलेगी ना सिर्फ संसार के प्रति, अपने ऊपर भी, अपने ऊपर भी स्लीप की तलवार को चलाना। ये वचन में कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा, जैसा मैं मिनिस्ट्री करना चाहता हूं वो मिनिस्ट्री नहीं प्रभु, जो आप मिनिस्ट्री मुझे देना चाहते हैं वो मिनिस्ट्री। आप कहेंगे कि क्या ये बात मुमकिन है, क्या कोई ऐसी जिंदगी गुजार कर गया? तो यस, एग्जाम्पल है यूहन्ना 6:38, प्लीज पढ़ दे इसको, यूहन्ना अध्याय 6:38 को। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं अपनी मन मर्जियां करने के लिए नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, स्वर्ग से उतरा हूं। तीन बार जब हम सीख रहे थे, तीन बार यीशु ने प्रार्थना करी थी, क्या प्रार्थना? ये प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन फिर भी ये वचन आता है, प्रभु मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे इतने बच्चे मिल जाए, मुझे ये काम मिल जाए, मेरे बच्चे IAS बन जाए, मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन क्या कह सकते हैं, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर थे तो वचन में लिखा है कि वो चाहते तो 72,000 स्वर्गदूतों की पलटन को बुला सकते थे अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, अपने ऊपर क्रूस को चलने दिया, क्रूस का रास्ता थामे रखा, उसे मारा गया, उसे क्रश किया गया, उसे बेइज्जत किया गया, उसे लानती बनाया गया, उसे ह्यूमिलिएट किया गया, और एक कीड़े की तरह मैं कल आपको बता रहा था, उसे मसल दिया गया। एक कीड़ा जब पैर के नीचे आता तो उसका कोई वजूद नहीं रहता, और वचन में लिखा प्रभु यीशु को भी कीड़ा कहा गया था। आओगे देखना चाहते हैं, बड़े भजन संहिता 22:6 को, भजन संहिता 22:6। परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरी नाम
धराई है और लोगों में मेरा अपमान है। ये भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु की क्रूस को लेकर आती है। 12 का पूरा पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी। शुरुआत में वचन एक में ही हो जाता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये आवाज प्रभु यीशु की थी। ये सब प्रभु यीशु के विषय में लिखा गया था, उसकी भविष्यवाणी हुई थी। यहां पर क्या लिखा है कि कीड़ा हूं मैं और कीड़े के समान उसको बेइज्जत किया गया, उसकी नाम फराई करी। ये वचन लिखा है कि लोगों ने मेरा अपमान किया। अब यहां पर देखिए, सब लोग यहां पर देखिए, एक बड़ी ही अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कीड़ा जो होता है, जब उसको आप उसके ऊपर आप पैर रखते हो, क्या वो वापस कीड़ा आपके ऊपर अटैक करता है? क्या कीड़ा आपको मारने की कोशिश करता है? और यीशु ने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आप सांप के ऊपर कभी पैर रखते हो, क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा धरती के ऊपर पैर रखने की उम्मीद नहीं होगी। दो है, दो कीड़े हैं, दो जीव हैं, एक तरफ कीड़ा है, एक तरफ सांप है। और प्रभु यीशु ने कौन सा रूप लिया? कीड़े का। उसे मारा गया, लटका गया, लेकिन वचन में लिखा है कि उसके मुख से भी कुछ बुरा उनके लिए निकला नहीं, क्योंकि वो कौन सा रास्ता अपनाया था उसने? क्रूस का रास्ता। बोले कौन सा रास्ता? क्रूस का रास्ता। अब आप बताएं मेरे प्रियो, आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? क्या कीड़े की या सांप की? आपकी सास होती, आपकी मां होती कौन है मुझे बोलने वाले कि सब्जी अच्छी नहीं बनी? हाँ, कैसे उसने बोल दिया कि वो बहू तो मेरी काम ही नहीं करती, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं लगी रहती हूं। पास्टर जी आपने क्या कैसे दिया कि हम चर्च नहीं आते, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया? सांप की आत्मा जगी रहती है, लेकिन कीड़े की आत्मा वापिस अटैक नहीं कर रहा है। कौन सी आत्मा आपके अंदर काम कर रही है? प्रभु यीशु ने क्रूस का रास्ता बनाया था। वचन लिखा है कि उसने अपने सताने वालों के लिए क्या किया था? गाली दी थी उनको। क्या रुक, बताता हूं तुम्हें कैसे हो नहीं, मैं कल आपको बता रहा था ना, क्या गाली बताती है? सुबह बता रहे थे, एक इंसान जो नाटक कर रहा था, कल शाम में बताया था ना, नाटक कर रहा था, मैं यीशु मरा हुआ है और एक इंसान इसके सर पे लपड़ मार दिया, तो क्या कह रहे थे? पिता ने माफ कर दिया, बेटा तू रोते रहे। प्रभु यीशु ने क्रूस का रास्ता लिया था, इस कारण वचन ने कहा कि वो कीड़े के समान था, उसे लताड़ा गया, उसे मारा गया, दाढ़ी को खींचा गया, लेकिन उसने कुछ भी बदले में नहीं कहा। और ये चीज प्रभु यीशु ने सिखाई भी और करके दिखाई भी। उसने कहा अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? उनके लिए धरने लगाओ नहीं, कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सांप की आत्मा नहीं, प्रभु यीशु की आत्मा है। जो क्रूस है, तीसरी बात, जो क्रूस है वो हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देती है, हमारे नजरिया को बदल देती है, संसार के राज्य से हमारे मन को उठाकर स्वर्ग के राज्य की तरफ हमें तैयार करती है। जब हम क्रूस का रास्ता नापते हैं, प्रभु यीशु ने क्रूस को क्यों चुना था? क्यों चुना था प्रभु यीशु ने क्रूस को? देखना चाहते हैं आप? खोलिए इब्रानियों 12 वचन 2 पढ़ो। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहे, किसकी ओर? यीशु की ओर। हर प्रभु का दास, हर सच्चा नबी, हर सच्चा प्रचारक, हर सच्चा बिब्लिकल पास्टर आपकी नजरों को किसकी तरफ लगाएगा? किसकी तरफ? सब बोले किसकी तरफ? वो ये नहीं कहते आपको मेरे पास आना पड़ेगा, हमारी ही चर्च में आना पड़ेगा अगर आपको आशीषित होना है तो। यूहन्ना का सबको पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कल हम उसकी बात कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो ये प्रभु यीशु है और ये उसके चेले थे। यूहन्ना कहा भैया मैं हो गया साइड पे, ये दोहा है आप तुम हो, आप अपना देखो, क्योंकि जरूरी है वो बड़े मैं घटू। हर सच्चा प्रभु का दास साइड पे रहता, वो कभी भी प्रभु यीशु दुल्हे और उसकी कलीसिया दुल्हन के बीच में नहीं आता है। वो चाहेगा कि कलीसिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी यीशु की तरफ ही लगा रहे, कभी भूल कर भी मेरी तरफ ये ना देखे, मेरे ऊपर कभी भी डिपेंड ना हो जाए।
प्रभु यीशु को देखें। ओके, ये वचन कह रहा है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकत रहे। हाँ, आगे बढ़ने का है। जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे what was in the mind of Jesus eternity, क्या अनंत काल उसके पुतलियों पर था, अनंत काल उसकी आंखों की पुतलियों पर था। आज बड़ा गर्व प्रचार हो रहा है, आज से 100 साल पहले जोनाथन एडवर्ड्स जैसे लोग थे जो कहते थे ये खुदा put eternity on my eyeballs, मेरी आंखों पर अनंत काल को बिठा दे कि मैं अनंत काल को देखकर अपनी जिंदगी गुजारूं, कि मैंने एक दिन वहां जाना है, ये साथ देना है, प्रभु यीशु के यहां रहना है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। वचन लिखा है कि प्रभु यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे ठहरा था क्या सहा, लज्जा की कोई चिंता नहीं करी, क्रूस का दुख सहा, क्रूस को उठाते हुए चला। ये तीसरा पॉइंट है। पहला सेपरेशन, क्रूस के द्वारा अलग होना होता है, क्रूस के द्वारा मृत्यु संसार के प्रति और अपने आप के प्रति, तीसरा क्रूस के द्वारा विक्ट्री, क्रूस के द्वारा जय, क्रूस के द्वारा जय। क्रूस के थ्रू सिर्फ रोना नहीं है कि भैया हम कैसे जिएंगे, आपको मरने मराने की बातें कर रहे हो, आनंद है, जय है, क्रूस के रास्ते के द्वारा जय है। और उसी जय की तरफ से यीशु की नजरें लगी हुई थी जब वो क्रूस पर उन लोगों की मार को सह रहे थे, सोच कर देखे जिन्हें उसने खुद बनाया उन लोगों की मार को क्यों सहते रहे। वचन लिखा कि लज्जा की कोई चिंता ना करते, क्रूस का दुख सहा क्यों, उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था। आज आपका रिजेक्शन का सामना हो सकता है कर रहे हैं, दुनिया में रहते हो सकता है संसार की सारी अशिक्षा आपके पास ना हो, दुनिया में रहते हो सकता है आपके परिवार वाले भी आपके खिलाफ खड़े हो जाए, दुनिया में रहते हुए हो सकता है बहुत सारे आपके अपने आपके काम वाले जो भी जाते हैं वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन ब्लेस गॉड, प्रभु की महिमा करें, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद है। हालेलुया। क्रूस नजरिया बदल देती है, क्रूस संसार से, संसार के राज्य से हमारे ध्यान को परमेश्वर के राज्य की तरफ लगा देती है। यूसुफ की जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी थी, यूसुफ तो पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है, यूसुफ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बड़ा ही अच्छा प्रभु का दास था, उसकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, अपनों ने उसे धोखा दिया, अपनों ने उसे मारने की कोशिश करी, अपनों ने उसे बेच दिया बेगाने देश में भी जाकर उसे गलत समझा गया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए गए, उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन बेस्ट गॉड परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसे ऊंचा उठाया और बड़ी पोजीशन पर बिठाया। उस बड़ी पोजीशन पर बैठकर भी वो नम्र था। वो क्या था, उसने नहीं कहा आओ भाइयों आज बताता हूं तुम्हें, तुम ही होना मुझे मारने वाले, यहां भेजने वाले, कुएं में फेंका था ना मुझे, आज सारा हिसाब ताब बराबर करते हैं, नहीं उसने कोई हिसाब लग रहेगा। पर वो क्या कहता है, ये सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ, ये सब कुछ भले के लिए ही हुआ है। तो इब्रानियों 12 में लिखा है कि हम यीशु की तरफ ताकते रहे क्योंकि वो गेहूं का दाना जमीन में तो गिरा, जमीन में तो मरा, सड़ भी गया, ह्यूमिलिएट भी हुआ, उसकी अपनी शान जाती रही, लेकिन उस आनंद के लिए वो ये सब कुछ सहता रहा। क्रूस उठाने के द्वारा ही शैतान की ताकत खत्म हुई, ध्यान से सुने, क्रूस उठाने के द्वारा शैतान की ताकत खत्म हुई थी। आप कहेंगे भैया दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है, तो चलो देखते हैं बाइबल में कहां लिखा है। इब्रानियों 2:14 को बोले, इब्रानियों 2:14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। किसके द्वारा, मृत्यु के द्वारा शैतान की शक्ति को निकम्मा कर दे।
प्रार्थना बड़ी पावरफुल है, अच्छी बात है, बहुत जरूरी प्रार्थना के द्वारा करें। जब आप क्रूस का रास्ता चलोगे, जब आप क्रूस उठाकर चलोगे, संसार से मन फिराकर, संसार के अभिलाषाओं से भागकर, अपनी अभिलाषाओं से दूर होकर, अपनी आंखों के अभिलाषाओं को बंद करके मसीह यीशु के जैसे बनने का फैसला लोगे, क्रूस उठाकर चलोगे, शैतान की ताकतें खस्त होती जाएगी, अस्त होती जाएगी। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना चर्च में अगर प्रेयर करें, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन उपवास करें, लेकिन अगर क्रूस का रास्ता नहीं है, आंखों पर कोई लगाम नहीं है, जुबान पर कोई लगाम नहीं है, हृदय के अभिलाषों में कोई लगाम नहीं है, तो आप शैतान को खुश कर रहे हैं। क्रूस के रास्ते के दौरान मैं आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी बताता हूं। हमारे भाई हैं, बहुत ही हमारे क्लोज हैं, सगे भाई तो नहीं लेकिन विश्वास में बड़े पक्के भाई हैं, लंबे समय से हमारे साथ हमें सुन भी रहे थे, हमारी बातचीत भी होती थी। उस भाई ने क्रूस के रास्ते को अपना लिया, क्रूस के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जब उसने वचनों को सुना और सीखना शुरू किया, वो भाई अपनी सरसंघ का नाम रंजीत है। वो भाई बिजली जो बिजली बोर्ड होता है उसमें काम करते हैं, मीटर रीडर है, तो बहुत सारा दो नंबर का पैसा उन्हें कमाने के लिए मिलता था। किसी के मीटर के लिए ऊपर नीचे कर दी, बाकी सारा पैसा जेब में। लेकिन जब क्रूस का रास्ता चुना तो ये दो नंबर के काम बंद कर दिए, बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो शैतान को आग लगना शुरू हो गई। उसके अपने बोर्ड के बंदे जो उसके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। इसने ये गलत काम छोड़ कैसे दिए? शैतान उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि शैतान की ताकतों को क्रूस का रास्ता चलने के द्वारा उसने खत्म किया था। प्रभु यीशु ने भी यह वचन कह रहा है कि क्रूस के द्वारा, मौत के द्वारा शैतान की ताकत को अस्त किया। फिर से पढ़ते इस वचन को। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा मृत्यु के द्वारा। आइए वचन को पढ़ते हैं और यहां पर हम फिर वचन को रोकेंगे, खत्म करेंगे। दूसरा तीमोथियुस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर पर यह स्मरण रख, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। मनुष्य क्या हो जाएगा? मैंने कहा कि ये आत्मा सिर्फ चर्च के बाहर ही नहीं, चर्च में भी काम कर रही है, चर्च में भी। कि यहां पर सब कुछ आपके लिए है, प्रभु यीशु आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए है, प्रभु यीशु आपको हर तरह की आशीष देने के लिए है, सब कुछ बस आप स्वार्थ, सब कुछ सिर्फ इंसान के लिए। लेकिन वचन कह रहा है कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि इंसान क्या हो जाएगा? स्वार्थी। जहां संसार कहता है सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एडोरेशन, प्रभु यीशु आते हैं और कहते हैं सेल्फ डेथ। संसार कहता है खुद को उठाओ, खुद का नाम बनाओ, खुद कैसा जीना चाहते हो जियो, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि खुद ही का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो और क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। और मैं कल भी आपको ये बता रहा था, साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि संसार में रहते हुए जब तक हम जिंदा हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अवसर है कि हम उसी यीशु की क्रूस को उठाकर उसके कदमों, उसके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। लेकिन जब ये दुनिया को छोड़ा, हमारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है कि हम क्रूस का रास्ता चुनकर शैतान के कामों पर निकम्मा करें और प्रभु यीशु ने जो गुलाह दिया है हमें कि अपने आप का इनकार करके अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोलो। प्रभु यीशु की इस आज्ञा से भागना नहीं, इस आज्ञा से भागे ना, इस आज्ञा को स्वीकार करें और कहेंगे आप प्रभु जिस भी मेरे हिस्से में क्रूस नहीं है, जिस भी मेरे हिस्से में क्रूस की वो मौत नहीं आ रही, मैं पुकारता हूँ कि आप आए और मैं क्रूस को लेकर आपको देखते हुए, आपको ताकते हुए आपके नक्शे कदम पर चलूं।